नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लानाशाही नहीं चलेगी, भैया जहाँ हसलो लानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लानाशाही नहीं चलेगी, हायर एजुकेशन हाय हाय, हायर एजुकेशन हाय हाय, ऑर्डर 472 को वापस लो, वापस लो, वापस लो, 472 को वापस लो, वापस लो, वापस लो, 472 को वापस लो, वापस लो, वापस लो, 472 को रिवर्स करो, रिवर्स करो, रिवर्स करो, लानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हायर एजुकेशन हाय हाय, हायर एजुकेशन हाय हाय, हायर एजुकेशन हाय हाय, एजुकेशन हाय हाय, बट स्टिल हमें एक एकेडमिक अरेंजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था जिसकी कोई भी गारंटी नहीं थी, एक साल में कभी परमानेंट आएगा रिप्लेस करके बाहर फेंक दोगे हमें, ठीक है, उसके बाद सैलरी आप लोगों ने हमारी इनहैंस की 18 से 28 किसकी, एक लेक्चरर की, और टीए की आपने इनहैंस की 12 से पहले 12 से फिर 22 आपने इनहैंस, आप इतने गरीब हैं, हमारा हायर एजुकेशन आप परमानेंट को 1.5-2 लाख रुपया दे सकते हैं और हमें आप लोग इतनी छोटी सी मिनर अमाउंट नहीं दे सकते, आप आर्टिकल 370 को रिवोक करके कहते हैं कि हम इक्वल पे इक्वल वर्क करें, लेकिन आप इतने गरीब हो चुका है हायर एजुकेशन वो नो पे नो वर्क की बात कर रहे हैं, हमारी डिमांड ये है कि हमारी जॉब्स आए, हमारे 17 से फॉर्म्स निकले हैं, ठीक है, आज 19 आ चुका है, डेफिशिएंसी निकाली, 10-10 साल लग जाते हैं आपको रिक्रूटमेंट करने, ठीक है, उसके बाद हमारी डिमांड ये है, फास्ट ट्रैक का मतलब कि आप 4 साल लगा दोगे, फास्ट ट्रैक में आप 4 साल लगा देंगे हमारी रिक्रूटमेंट में, हमारा आप हायर एजुकेशन से सिर्फ ये डिमांड है कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट, आप पीएससी में एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस कहाँ से बनाएंगे, आप बंद कर दीजिए अपने दरवाजे, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दीजिएगा, अपने दांतनी मचाई हुई पीएससीज हैं, हम लोग इतनी एजुकेशन लेके आए हैं, हमारी क्वालिफिकेशन है, तो ये रिक्रूट क्यों नहीं करते हैं, और पीएससी कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने की बात करती है, वो तो खुद यूजीसी